तैयार हो जाए एक और ऑफलाइन और परमानेंट वैकेंसी के लिए। जी हाँ साहिबान, AIPT एंड APTC डिपो पुणे के अंतर्गत जो ग्रुप सी की वैकेंसियां आई है, आज उस वैकेंसी वीडियो का ऑफलाइन फॉर्म भर के भी आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ सभी के लिए गुड न्यूज़ यह रहने वाली है कि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन फॉर्म भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो 10वीं पास और 8वीं पास कैंडिडेट उस फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत बढ़िया वैकेंसी आई है, जिसकी लास्ट डेट दोस्तों 26 जुलाई 2024 रखी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत बहुत टाइम आपके पास रहने वाला है, पूरी प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है और क्या क्या डाक टिकट आपको लगाना होगा। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों LDC यानी लोअर डिवीजन कलर, मल्टीटास्किंग स्टाफ और कुक की वैकेंसियां मिल जाएगी। आपको दोस्तों योग्यता की बात कर लेता हूं तो 10वीं और 12वीं पास हुआ होना चाहिए। पुरुष और महिला ऑल इंडिया के कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अगर अभी तक आपने दोस्तों ECCS अहमदनगर और ECCS दोस्तों जो अंबाला कैंट के अंतर्गत भर्ती आई है उनका फॉर्म अभी तक चेक नहीं किया तो जल्दी से जाके चेक कीजिएगा, क्योंकि ये वैकेंसियां भी रक्षा मंत्रालय के अधीन आई है, जिनके लिए दोस्तों बहुत सारे पद आए हैं। क्योंकि अंबाला वाली वैकेंसी में 51 और अहमदनगर वाली वैकेंसी में 21 पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों जो वैकेंसियां इसके अंतर्गत आई है, तो इसमें दोस्तों MTS सफाई वाला के लिए 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपको वेतन 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये दिया जाएगा। योग्यता आपकी 10वीं पास रखी गई है। वहीं MTS वॉचमैन के लिए आपको दोस्तों सेम वेतन और सेम एज मांगी गई है, सेम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 10वीं आपका पास होना जरूरी है। MTS मालिक के लिए भी दोस्तों आपको 10वीं पास होना चाहिए, 18 से 56,900 पेमेंट दिया जाएगा। अगर आप कुक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों आपको 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये पेमेंट दिया जाएगा। इसके अलावा आपको 10वीं पास के साथ साथ कुकिंग का भी एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। लोअर डिवीजन कलर के लिए आपको सेम वेतन दिया जाएगा, लेकिन इसमें आपको 12वीं पास होना चाहिए और टाइपिंग यानी कंप्यूटर टाइपिंग का आपको ज्ञान होना मांगा गया है। ये सारी वैकेंसियाँ के लिए दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के टू द कमांडेंट AIPT एंड APTC डिपो पुणे महाराष्ट्र के एड्रेस पते पर आपको भेजना होगा। इस वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स में अभी आपको बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लगेंगे, यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट आपको लगा देनी है। जन्म प्रमाण पत्र के लिए अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10th की मार्कशीट उसका काम कर जाएगी। इसके अलावा एक स्वयं का पता लिखाफा, यानी दोस्तों आप एडिशनल लिफाफा भी आपको उसी में डाल के भेजना है, जिसपे 5 रुपये का डाक टिकट लगा होगा, क्योंकि एडमिट कार्ड आपका इसी में भर के वापस आने वाला है। इसके ऊपर कैसा एड्रेस लगाना है वो भी आपको बताऊंगा। जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी आपको भेजना है। अनुभव प्रमाण पत्र यदि पद से संबंधित अनुभव हो तो भेज देना है। उसके अलावा दोस्तों आपको स्वयं सत्यापित एक पासपोर्ट साइज का हालिया फोटोग्राफ भी एक्स्ट्रा आपको डाल देना है, या आधार कार्ड और वोटर कार्ड, अन्य आईडी में से कोई एक आपको भेज देने हैं। रोजगार पंजीकरण कार्ड यदि कोई हो तो रोजगार कार्यालय में अगर आपने भरा है तो आपको वो भेज देना है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको दोस्तों चलते हैं इसके ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार को भेजना है। तो दोस्तों फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आपको फॉर्मेट मिलने वाला है, इसके अंतर्गत ऑलरेडी ये लिखा हुआ होगा टू द कमांडेंट वाला। और दोस्तों आपको न्यूज़पेपर कहाँ से जानकारी मिली, तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से मिली। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी मैं लिख के रखा हूँ तो वो भी आपको मिल जाएगा। डेटेड दोस्तों 29 जून से 5 जुलाई 2024 ये डेटेड है। इसके अलावा दोस्तों आपको कौन सी जो एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर, ये ऑलरेडी आपका हो गया। आपको नंबर 2 कॉलम की बात कर लेते हैं कि नेम इन फुल ब्लॉक लेटर, आपको ब्लॉक लेटर में आपका नाम लिखना है और ऊपर की ओर जहाँ पे हमने दोस्तों फोटो लगा रखी है पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आपको वहाँ पे फ़ोटो चिपका के उसके ऊपर सिग्नेचर अक्रोश में कर देना है। और दोस्तों कैटेगरी के नीचे दोस्तों कैटेगरी वाले पोर्शन में जो भी आपकी कैटेगरी है UR OBC वो लिख देना है। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको फादर नेम लिख देना है, आपका दोस्तों मेल हो फीमेल हो उसकी जानकारी आपको लिख देना है।
इसके अलावा फिफ्थ नंबर कॉलम में आपका दोस्तों डेट ऑफ बर्थ लिखना है जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स में रहने वाला है, यानी टेंथ के मार्कशीट में होगा वही आपको लिखना है। उसके अलावा प्रेजेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, आपकी एज कितनी हो जाएगी जब आप फॉर्म दोस्तों क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली इसकी, तो जुलाई रहने वाले, तो दोस्तों 26 जुलाई तक आपकी डेट कितनी हो जाएगी वो लिखना है। मेरिटियल स्टेटस में अनमेरिड या मेरिड जो भी हो आपकी जानकारी देनी है। नेशनलिटी में इंडियन करना है। इसके अलावा रिलीजन, कास्ट, सबकास्ट आपको उसमें लिख देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, टेंथ की जिस प्रकार मैंने लिखी है सेम आगे भी आप लिख सकते हो, जैसे बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी कौन सी रहने वाले हैं, ईयर आपका कौन सा रहेगा, मार्क्स आपके कितने आए थे और परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके कितने बने थे। उसके बाद में दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपको कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डाल देना है, अगर आपको डिसेबिलिटीज पर्सन है तो 11 नंबर कॉलम में भर देना है। उसके बाद में दोस्तों चॉइस ऑफ टाइपिंग स्किल, अगर आप LDC के लिए फॉर्म भर रहे हो तो आपको हिंदी या इंग्लिश में किस में टाइपिंग चाहिए वो आप फिलअप कर सकते हो। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में आपका नाम दर्ज है तो उसकी जानकारी देनी है। नंबर 15 कॉलम में आपका पूरा एड्रेस लिखना है विद पिन कोड सहित। 16 नंबर कॉलम में आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद में डिक्लेरेशन फॉर्म के अंतर्गत दोस्तों आई या श्री या कैम्प्टी दोस्तों इसके अंतर्गत आपका नाम भरना है और दोस्तों आपको उसको अच्छे से रीड करने के बाद में प्लेस और डेट आपको डाल देनी है। प्लेस और डेट डालने के बाद में राइट साइड में नीचे की ओर आपका सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे दोस्तों आपका फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही फिलअप कर देना है। बात आती है दोस्तों लिफाफा किस प्रकार बनना है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो बड़ा वाला लिफाफा तैयार करना है उसके ऊपर आपको वाइट लिफाफा भी ले सकते हो, ब्राउन भी आप ले सकते हो। टू लगा के उसके ऊपर, टू से ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ, अगर आप लोअर डिवीजन कलर के लिए भर रहे हो तो लोअर डिवीजन कलर, आगे कैटेगरी जहां लिखा उसके आगे आपकी OBC या SC ST लिखना होगा। उसके नीचे दोस्तों टू लगाना है, टू के नीचे लिखना है टू द कमांडेंट AIPT एंड APTC डिपो पुणे महाराष्ट्र पिन कोड आगे लिख देना है। उसी के जस्ट नीचे आपको फॉर्म लिखना है, फॉर्म लिखने के बाद में आपका खुद का एड्रेस आपको लिखना है विद आपके मोबाइल नंबर के साथ में। ये फॉर्म लगा के आप इस साइड भी लिख सकते हो या बैक साइड भी आप लिख सकते हो अगर इस साइड में जगह आपको कम लगती है तो। उसके बाद में आते हैं दोस्तों छोटे वाले लिफाफे पे, इसके ऊपर आपको 5 रुपये का डाक टिकट लगाना है और जो एड्रेस आपने फॉर्म में लिखा है इसमें बड़े वाले में सेम एड्रेस आपको टू लगा के छोटे वाले के ऊपर लिखना होगा, क्योंकि वो उधर से भेजेंगे तो टू पे आपका एड्रेस पे आएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको डाक टिकट ऑलरेडी छोटे वाले पे 5 रुपये की लगा दी, ये छोटे वाला लिफाफा भी दोस्तों बड़े वाले लिफाफे में डाल देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए थे उनकी फोटोकॉपीज करके उसके ऊपर आपका सिग्नेचर करके वो आपको बड़े वाले लिफाफे में भर देना है। जो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन वो सबसे ऊपर रहेगा, उसके नीचे एक एक वाइज क्रम वाइज आपके डॉक्यूमेंट लगा के आपको इसके अंदर का फिलअप कर देना है और उसके साथ में एक्स्ट्रा जो मैंने बताया कि आपको पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी डालनी है वो भी आप इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। आप उस फॉर्म को बाय डाक भेजना है तो दोस्तों आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हो या नॉर्मल पोस्ट से भी भेज सकते हो, जिस प्रकार आपको 8 से 10 दिन यहाँ पे पहुँचने में लग जाता है तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं कि क्या सर इसका रहने वाला है। इसके अंतर्गत और एक इम्पोर्टेंट छोटी मोटी जानकारी आपको मैं दे देता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें आपको 2 प्रतियाँ लिख के भेजनी होगी, यानी दोस्तों ओवरराइटिंग या कटिंग नहीं करनी। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको परीक्षा में जाने पर कोई DA या DA नहीं दिया जाएगा, आपको दोस्तों एग्ज़ाम होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।